मौसम में बदलाव आने के साथ ही मैदानी राज्यों से पर्यटकों ने प्रदेश की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। देश के विभिन्न राज्यों से पर्यटक शिमला, कुल्लू, मनाली सहित अन्य स्थानों पर प्रकृति का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। पर्यटन नगरी कुल्लू और मनाली पहुंचकर लोग जहां प्रकृति के मनोरम दृश्यों का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं विभिन्न प्रकार की साहसिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। एडवेंचर एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन शर्मा ने कहा कि पीज से ढालपुर पैराग्लाइडिंग साइट पर 360 डिग्री नजारा और कुल्लू शहर का मनोरम दृश्य देखने के लिए पर्यटक पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। यहां पर हर दिन करीब 100 पैराग्लाइडर उड़ान भर रहे हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल रहा है और उनके व्यवसाय को भी लाभ हो रहा है। 360 मल्टीपल व्यू मिलता है एयर में देखने के लिए और बेसिकली जो मेन सिटी का जो व्यू बनता है, द क्लाइंट फील वेरी गुड टू सी दिस टाउन एंड ऑल थिंग्स। स्प्रिंग फेस्टिवल चल पड़ा है, तो ये जो वेदर फ्लक्चुएट रहता है, एकदम से स्टेबल नहीं होता, ये चीजें फेस करने को कुछ एक सरप्राइज मिलते हैं विंड में और वेदर में भी, तो इसमें थोड़ा सामना करना पड़ता है हमें मार्च और अप्रैल के महीनों में, अदरवाइज बाकी ऑल ओवर ठीक है। ढालपुर की अगर बात करेंगे तो हम लोग लगभग 100 के आसपास का टच कर रहे हैं, बाकी वेदर अगर साथ दे तो ज्यादा भी हो जाती है, नहीं तो कई बार कम भी हो जाती है। तमिलनाडु से कुल्लू मनाली घूमने आई शिवरंजनी ने कहा कि वे यहां एडवेंचर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग के साथ साथ अन्य गतिविधियों का लुत्फ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चारों तरफ पहाड़ियों में हुई बर्फबारी और 360 डिग्री नजारा देखकर बेहद अच्छा अनुभव कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार इतनी ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग उन्होंने की है, जो कि जीवन भर के लिए यादगार लम्हों में कैद हो गया है। The wonderful experience of paragliding, because in first I was very afraid of paragliding, first time for me. So it was a good experience and it was very thrilling. It was good to see places from very good. It was very nice, but first I thought it will be very difficult and I'm very afraid of heights. But now I feel I will go again. वहीं तमिलनाडु के पर्यटक तरु ने बताया कि पहली बार पैराग्लाइडिंग करते हुए उन्हें बहुत डर लग रहा था, लेकिन एक बार ऊंचाई पर जाने के बाद उन्हें अच्छा लगा। पैराग्लाइडिंग करते समय बेहद सुंदर मनमोहक नजारा दिखा। उन्होंने कहा कि अगली बार जरूर पैराग्लाइडिंग करने के लिए वे कुल्लू मनाली आएंगी। सबसे अच्छा तो यहाँ का वेदर है, प्लस यहाँ की सीनरीज इतनी ब्यूटीफुल है कि आप मतलब देख के देख सकते हैं कितने प्यारे 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 घर है यहाँ पर, एकदम डिज्नीलैंड है। आप जैसे बार्बी डॉल का हाउस होता है ना, बिल्कुल वैसे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से हाउस और पहाड़। जैसे स्टार्ट किया था तो डर लग रहा था वहाँ पर, बट जैसे उन्होंने लिया टेक ऑफ सा किया तो बिल्कुल एकदम मतलब परफेक्ट एक्सपीरियंस था बिना डर के। तो बहुत अच्छा वेदर, बहुत अच्छा मतलब बहुत बहुत मज़ा आया। महाराष्ट्र की पर्यटक मनीषा ने कहा कि कुल्लू मनाली जन्नत से कम नहीं है। मनाली में जहां बर्फ देखने को मिली, वहीं मणिकर्ण, अटल टनल, हिडिंबा माता मंदिर और सोलंग नाला सहित विभिन्न पर्यटक स्थलों पर घूमने का भी अवसर मिला। उन्होंने कहा कि यहां किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है और मौसम, खान पान और पानी बिल्कुल स्वच्छ है। हमको ऐसे मालूम भी नहीं था कि इतना बर्फ आएगा देखने को, लेकिन अटल टनल भी खुल गया था, जिस दिन हम लोग गए उसी दिन खुला था। मणिकरण में गया, वहाँ भी अच्छा लगा, और जो प्रकृति है वो तो बहुत ही अच्छा है, और वेदर यहाँ का बहुत अच्छा था, इतना धूप है, इतना अच्छा, बहुत अच्छा लगा। सब कुछ ठीक है, पॉल्यूशन तो यहाँ नहीं है, यहाँ का पानी भी अच्छा है, खाना भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। निश्चित रूप से प्रदेश में ऐसे कई सुंदर स्थल हैं जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं तराशी जा सकती है। इससे जहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं ऐसे स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिलेगी। डीडी न्यूज के लिए कुल्लू से तुलसी कुमार की रिपोर्ट।